शेयर करूंगा और वो भी प्रूफ के साथ, जो जो मेरे साथ घटनाएं घटी है इन दिनों में, यानी अगस्त के महीने में, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस देखो, ये घटना शुरू हुई है 15 अगस्त 2022 से। तो जब ये स्टार्ट हुआ था, मेरे पास एक हैवेल्स ब्रांड का स्टैंडर्ड फैन है, मैंने साइड में इसका फोटो दे दिया। तो कंपनी ने मुझे 2 साल का वारंटी दिया, तो मैंने देखा पर्ची में कि अभी भी काफी ज्यादा वारंटी है, यानी पकड़ लो अभी भी 8-9 महीना वारंटी है। तो मैंने कंपनी को फोन लगाया, कंपनी को कंप्लेंट रजिस्टर की, ऐसा ऐसा कुछ। कंपनी से लोग मुझे फोन किया, यानी हमारे जो नियरेस्ट सिटी है रायगंज, मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल के रायगंज शहर के एक छोटे से शहर में। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि भैया जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, कंप्लेंट है, आपके फैन में क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरा फैन जो है चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गया, और जब मैंने उसे दोबारा से चालू करने की कोशिश की तो वाइब्रेट हो रहा था थोड़ा सा, मटर जो है चालू नहीं हो रहा था और शॉक दे रहा था बीच बीच में। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आप लोगों के पास कल जाएंगे, आप लोगों का फैन जो है रिजॉल्व कर देंगे, या क्या कुछ होता है, क्या कुछ खराबी होता है, उसका पार्ट्स ले जाएंगे लगा के देने के लिए। तो आज मैं आया हूँ किसी और शहर में, प्लीज आप जो अपना जो केकेजी कोड है वो मुझे दे दीजिएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। और केकेजी कोड क्या है गाइस पता है? केकेजी कोड एक सर्विस कोड है कि जब केकेजी कोड वो लोग सबमिट कर देते हैं, तब कंपनी के पास ये मैसेज जाता है कि टेक्नीशियन आपके पास विजिट किया, आपका फैन जो है ठीक कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, उसके बाद केकेजी कोड सबमिट किया। क्योंकि केकेजी कोड के नीचे साइड में मैं स्क्रीनशॉट भी दे दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही केकेजी कोड दो, यानी सिर्फ विजिट करके नहीं होगा, सिर्फ सर्विस करके नहीं हुआ, सिर्फ फैन को ठीक करके भी नहीं हुआ, या कोई प्रोडक्ट हो, अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो ही केकेजी कोड दीजिएगा। ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, केकेजी कोड पहले नहीं दीजिएगा। तो मैंने विश्वास करके दे दी, और मैंने दिया तो कंपनी को पूछ के ही दिया, क्योंकि कंपनी ने बोला देने के लिए आप दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने 17 तारीख 18 तारीख 19 तारीख ऐसे 3 दिन देखा, 3 दिन ही कॉल किया उन लोगों को, मेरा कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने इतने सारा मैसेज किया कुछ का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने एक गलती कहा कि घर में बच्चा है, आप लोग गलत कर रहे हो, ये गलत आप दोबारा किसी के साथ मत करो, आप अपने बात पे ईमानदारी नहीं कर पाए, ठीक है, मैंने सिर्फ यही कहा, यानी वो जो प्रॉमिस किया था मुझे वो नहीं रख सका। तो मैंने फिर हैवेल्स को फोन किया, हैवेल्स ने फिर से मेरा कंप्लेंट रजिस्टर ले लिया, फिर से मुझे 24 घंटे के बाद एक फोन आया, उन्होंने बोला कि ये बात है, सेम बात बोला है। तो उन्होंने बोला आपका जो है मटर खराब हो चुका है, फैन जो घूमता है वो मटर खराब हो चुका है, बिना विजिट के बोल दिया, ठीक है। फिर उनके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आए, मैं खुश हुआ, वो देख कर गए, तो मैंने कहा कि भाई कुछ दिन चलाने के लिए कुछ कर दो तो अच्छा होता, क्योंकि इतनी गर्मी में आप कैसे रह सकते हो। तो उन्होंने फोन किया मेरे सामने, कस्टमर बहुत ही हैरेसमेंट हुआ, इसका जो है मटर खराब हुआ, तो उन्होंने बोला कि 30 तारीख को चले आएगा, यानी मैंने फिर से दोबारा से कंप्लेंट रजिस्टर किया 22 तारीख, 24 तारीख को आया, और 30 तारीख को बोला कि मटर भेज देगा, ठीक है। यही साथ हुआ है, सब कुछ डिटेल में एक्सपोज नहीं कर सकता है गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा। तो इतने ज्यादा गैप, ये सब कुछ होने के बाद इतने ज्यादा गैप, फिर से वो केकेजी कोड मांग रहा था कि केकेजी कोड दे दो, क्योंकि गाइस केकेजी कोड ऐसा कोड होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो कोड अगर ना देते हो आप लोग तो कंपनी से उसको बाई प्रेशर मिलता है, ठीक है। पहले वाला बंदे तो छूट गया, लेकिन इस बंदे को मैंने पकड़ लिया। तो कंपनी क्या कर रहा है, क्या बाई प्रेशर दे रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा भी पता नहीं चला, क्योंकि गाइस देखो 30 तारीख जब आया फाइनल, आप सोचो 17-18 तारीख से ये जो है मामला चालू है, और 30 तारीख का टाइम लिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब 30 तारीख आया गाइस, जब नहीं आया तो मैंने दोपहर को फोन किया, तो उन्होंने बोला भैया जी नहीं आ रहा है, और भी कुछ दिन टाइम लगेगा, ऐसा कुछ हुआ। तो मेरा जो है माथा पूरा गर्म हो गया, मैंने कंपनी को लगाया फोन, तो क्या फोन में बात की आप लोग खुद देखो। हाँ सर, मैं कुछ ही टाइम पहले बात की थी, फोन कट गया था बीच में ही। तो मैं बहुत दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे फैन ठीक नहीं कर दे रहा है, विजिट नहीं कर रहा है। सर अभी आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल हम आपको बता ही रहे थे जब तक आपकी कॉल को यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि आपकी कॉल, आपने हम ये भी चेक कर पा रहे हैं, काफी टाइम से आपने कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर किया है और आपकी आपको सहायता नहीं जा पा रही, तो यहाँ चेक कर पा रहे एस्टिमेट गिवन आपकी कंप्लेंट में है 22 अगस्त को, जो आपने 6:28 में कॉल रजिस्टर किया था, और आपने कॉल को ऑलरेडी 3 से 4 बार हाईलाइट किया जा चुका है, आपकी कॉल को हम चेक कर पा रहे हैं। तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, हाईलाइट इतने बार क्यों किया जा रहा है? तो गाइस देखिए, मैंने कंपनी से क्या बात की, उन्होंने बोला कि मेरे जो कंप्लेन है उन लोगों के पास जो सेकंड वाली कंप्लेन है 22 तारीख को रजिस्टर हुआ, और पहले जो कंप्लेन है और पहले का जो कंप्लेन है 17-18 तारीख का, उसके ऊपर ये 22 तारीख वाला कंप्लेन रजिस्टर किया, उसके ऊपर फिर 3-4 बार मेरे कॉल को हाईलाइट की उन लोगों ने, देख सकते हो उन लोगों
लोगों का सर्विस कितना लूज है। तो बात ऐसा है कि उन लोगों के बात की, उन लोगों ने प्रॉमिस की 24 घंटे के अंदर अगर पार्ट भी नहीं मिलता है तो कोई ना कोई जुगाड़ करके मेरा फैन जो है रिपेयर कर देगा, क्योंकि इतने गर्मी में रहा नहीं जा सकता। और भी बहुत सारे कॉल था गाइस, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे इतना नहीं लगा कि इतना ज्यादा हैरेसमेंट होऊंगा मैं। तो उसके बाद मैंने इस भैया जी को फोन की, भैया जी ने क्या बोला आप प्लीज सुन लो। গোয়ালপুকুর আর একজন আছে লোকালে, লোকাল 4-5 টাকা আছে। একটু আমারটা করে দিল, আমি তো অনেকদিন ধরে বলছি না দাদা, এত হেল্প আপনার কাছ থেকে করতে হবে আমার মাথায় আছে দাদা, ঠিক আছে মাথায় আছে, চিন্তা করবেন না। আপনার জন্য মালগুলো আনিয়েছি, আমরা আছি সার্ভিস দেওয়ার জন্য, সার্ভিস আমরা দিব, একটু আমাদের টাইমটা দিবেন, মালটা কালকে রাতে ঢুকেছে। টাইম দাদা, টাইম কতদিন দিয়েছি বলুন না আপনি। আপনি তো মালটা আসার জন্য টাইম দিলেন, একটু কাজ তো করতে হবে এখন, আমার দায়িত্ব মাথায় আছে। কালকে কালকে হয়ে যাবে তো? আমি আপনাকে বলে দেব, আপনার যাবে টেকনিশিয়ান, টেকনিশিয়ান যাবে, ঠিক আছে। আমরা সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে আছে, আমরা কাজ, আমরা কি বলবো আপনাকে, আমাদের টাইম একটু দিন, আমাদের मुझे कहा कि वो लोग है हमारे काम के लिए बैठे है, उन लोगों का टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ठीक है टाइम दिया, बरस आया इसका भी टाइम है। और क्या बोलो यार, मुझे हंसी आ रही है। और अब पास को मेरे पास लगाना है, इसका भी एक पर्सनल टाइम चाहिए। तो भाई कितना टाइम दो, आदमी तो मर जाएगा इतने गर्मी में। हाँ सही बात है, इतना टाइम लेते हो आप लोग। तो भाई ठीक है, कोई बात, फाइनली फाइनली जो मेरे साथ हुआ, आज 3 सितंबर 2022 आज मैं सुबह फोन किया भैया जी को, सुबह फोन के नॉक किया कि भैया जी आज तो ट्राई करने वाले थे तो क्या हुआ। तो उन्होंने शायद गुस्से से कहा ठीक है मैं भेजता हूँ, मैं आदमियों को भेजता हूँ। तो गाइस ये बंगाल है, तो भैया जी बंगाल में बात कर रहे, आप लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए मैंने हिंदी में बोल के आप लोगों को समझा दिया। तो आज जो है 3 सितंबर 2022 को मेरे फैन जो है पार्ट्स रिप्लेसमेंट करके भाई साहब के टेक्नीशियन आया, यानी कंपनी के थ्रू से टेक्नीशियन आया, मेरे फैन ठीक करके चला गया। अब असली मुद्दे वाली बात है कि कंपनी चीट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, आई डोंट नो। तो ये सर्विस जो है, इस सर्विस में 5 स्टार में से कंपनी को देना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि कंपनी का कोई भी टाइम का परवाह नहीं है। हालांकि इस सिटी में हो रहा है क्या, दूसरे सिटी में हो रहा है या क्या, सब सिटी में हो रहा है क्या, कंपनी का रूल्स क्या है यार। मैं ये 5 स्टार में से 5 स्टार पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि कंपनी जब कंप्लेंट रजिस्टर करता है उसके तुरंत ही उस दिन ही बोलो, चाहे उसके नेक्स्ट दिन बोलो, कॉल आ जाता है। ये हल है, 24 घंटे वेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं चाहता तो बहस कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहस में नहीं चाहता हूँ, किसी भी मुद्दे पे मैं बहस ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई जो काम आसानी से हल हो जाता है उसको बहस करके और मत बिगड़ाओ। अगर मैं बहस करता तो तू तरह का होता, कंपनी से भी होता, कंपनी कुछ नहीं बोलता क्योंकि कंपनी का सुनने का आदत है, लेकिन टेक्नीशियन वालों नहीं आता, और अगर नहीं आता तो मेरा फैन भी रिपेयर नहीं होता, और मेरा फैन रिपेयर नहीं होता तो मैं आप लोगों को ये मैसेज पहुंचा नहीं सकती। इसलिए मैं बहस नहीं की, और मैं पर्सनल लाइफ में यार बहुत ही शांत स्वभाव का हूं, मैं शांत रहना पसंद करता हूं। लेकिन ये जो गलती कर रहे हैं हैवेल्स वालों ने, चीट तो एक तरीके से नहीं बोल सकते, उन लोग तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों का जो टेक्नीशियन रहता है उन लोगों को और भी ज्यादा सुधारना चाहिए, ट्रेन की जरूरत है, लोग ट्रेन नहीं है। अगर आदमी लोग का शॉर्ट पड़ रहा है तो टेक्नीशियन और ज्यादा रिक्रूट कीजिए, काम पे लाइए, बहुत बेकार घूम रहे हैं वो लोग, बहुत सारे एडुकेटेड बंदे घूम रहे हैं, उन लोग को काम पे लाइए। मैंने ऐसा सुना कि हमारे सिटी में 3-4 बंदे हैवेल्स कंपनी की तरफ से, ठीक है, कोई इधर जाता है तो कोई इधर जाता है। अरे भाई साहब, हैवेल्स कंपनी को बोलना चाहूंगा, इतने बड़े शहर है, 3-4 बंदे से काम हो जाएगा, कम से कम तो 10-15 बंदे चाहिए। तो ये किसका दोस्त बनूं पता नहीं, कंपनी जानते तो कंपनी को और भी ज्यादा टायर देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जब हैरेसमेंट होते हैं तो कस्टमर क्यों हैरेसमेंट होते हैं। हैवेल्स कंपनी इतने स्ट्रगल करके आज इतने बड़े मुकाम पे आए हैं, इतने बड़े बड़े कंपनी से टाइप करके वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपनी को जो सोचना चाहिए, ऐसे मिसबिहेव मत कीजिए, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है आप लोगों से, बताइए आप लोग। तो ऐसे गलती मत कीजिए, कस्टमर भगवान होते हैं सबके लिए, आपके लिए भी, मेरा भी बिजनेस है, मेरे लिए भी, तो कस्टमर को भगवान की तरफ से मान के चलो, नहीं तो जितने ज्यादा उठे हो ना उतने ज्यादा ही घट जाओगे आप लोग। तो आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग अगर हैवेल्स का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, हैवेल्स का प्रोडक्ट तो खराब तो
को नहीं होता है, ये तो मैं दिल से बोलूंगा, लेकिन सर्विस जो है फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि सर्विस इतना घटिया मुझे लगा कि पूछो ही मत। अगर रिपेयर का काम कर रहे तो कस्टमर कॉल किया तुरंत ही 24 घंटे के अंदर उसका काम हो जाना चाहिए, या आप लोग जो टाइम लेते हो 72 घंटे ज्यादा दूर हो जाए तो उसका काम हो जाना चाहिए 24 से 48 या 72 घंटे के अंदर। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इस क्यों का सवाल हम लोग करेंगे, आप लोग आंसर दोगे, गिव मी द आंसर, ठीक है ना, ऐसा बात है। तो आप लोग फोन करके बोलोगे केके जी को दो दो, हलवा है क्या, क्यों कर रहे हैं आप लोगों का टेक्नीशियन ऐसा क्यों कर रहे हैं, केके जी को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम लोग को मदद मिल जाए, उसके बाद फोन ही नहीं उठाएगा कस्टमर का और कस्टमर मरते रहे गर्मी में। इफालकॉन का टीवी लिया था मैं, इफालकॉन का सर्विस मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा टीवी जो है ब्लैक स्किन हो गया था वारंटी के शायद 2-3 दिन पहले, ऐसा काम हुआ था वारंटी के 2-3 दिन पहले, कंपनी ऐसे फोन किया कि भागता चला आया, 2-3 घंटे के अंदर आया, टीवी खोला, टेक्नीशियन देखा, बोला कि टीवी को टोटली हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, नया टीवी लाकर दिया सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर। और आप लोग कितना काम किए, 17 तारीख को घटना, अगस्त 2022 31 का महीना चलता है, तो यहाँ से पकड़ो 13, 14, 15, 16, 17 यानी आप लोग 18-20 दिन लगा दिए एक सर्विस करने में। तो 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है हमारे देश में, क्या कर रहे हो आप लोग, फ्लिपकार्ट से अगर एक प्रोडक्ट मंगवाते हो ना तो 4 दिन में लाकर दे देते हैं, अब तो अभी भी फास्ट हो गया है, 1 दिन भी नहीं लगता है, ग्रोसरी आइटम खरीदो या मोबाइल लैपटॉप कुछ भी खरीदो, इतना फास्ट डिलीवरी हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, इतने बड़ी कंपनी हवा में उड़ रहे हो क्या, ये गलत है, आप लोग सुधराओ, अपने टेक्नीशियन को, अपने सर्विस प्रोवाइडर को भी सुधराओ, अपने डीलर को, सेलर को सुधराओ, नहीं तो कस्टमर जो है ना, कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव फीडबैक ऐसे आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है, ये गलत बात हुई, ये कितने के साथ हुई है, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, वायरल भी हो चुका है मेरे वीडियो, प्लीज गाइस कमेंट्स कर लो। तो मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों से कहना पड़ा, क्योंकि आप लोग अगर हैवेल्स का कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो सोच समझ के खरीदना कि आपके वहां पर सर्विस इंस्टेंटली मिलता है कि नहीं, अगर मिलता है तो ही खरीदो, वरना आपकी मर्जी है। बस इतना जानकारी देना था, आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही सारा मदद मिला होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया सो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो नीचे कमेंट्स कीजिए, अगर नए हो चैनल पे तो सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। फिर मिलते कल और एक नए ट्यूटोरियल लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।